और इसमें आप सीधा पार्टिसिपेट करकर मैक्सिमम स्कॉलरशिप पा सकते हैं अमेजिंग ऑफर्स जो कि आप 6 महीने और 12 महीने के किसी भी प्लान के साथ में 20% का फ्लैट ऑफ यहाँ पर मिल रहा है जिसमें कि मध्य प्रदेश एसआई SI, मध्य प्रदेश पुलिस पटवारी और जेल प्रहरी के लिए ये ऑफर चल रहा है जिसमें कि रेफरल कोड लगाकर आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिलेगा यानी कि टोटल 30% का ऑफ यहां पर आपको मिलने वाला है तो प्लस में आप

यहाँ पर पढ़ सकते हैं और बेस्ट टीचर से पढ़ने का यहाँ पर आपको लाइव क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर डिफरेंट बैच को डिफरेंट एग्जाम्स के डेडिकेटेड डाउट सेशन लाइव क्लास में इंटरेक्शन कमेंट्स क्विज के साथ में साथ ही साथ एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा उन सभी एडु, एडु, एडुकेटर्स का जो कि कोर्स की कैटेगरी में आपको पढ़ाएंगे वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है अनएकेडमी पर करंट अफेयर्स की आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है एम बी पी एस सी मेन्स की फुल लेकिन सीज और साथ में एम पी पी एस सी की सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज ये सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं फ्री में साथ ही साथ टारगेटेड की ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस में अवेलेबल है जिसमें कि आप रोज मंडे मंडे टू फ्राइडे रात में नौ बजे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अनएकेडमी पर प्लस के बाद में जो कोर्सेज आपको मिलेंगे उसमें से एट मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स जो कि एम पी पी एस सी प्रम्स और मेन्स की आंसर राइटिंग के लिए आंसर ये ट्वेंटी थर्ड मार्च से

पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुल्य है? है जो कि सबसे अधिक पाए जाते हैं पश्चिमी शीतोष्ण हिमालय की शीतोष्ण पेटी में तो वो है देवदार के वृक्ष तो बी विकल्प इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन ग्लोबलीय तापीय वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे तो चार स्टेटमेंट दिए तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा तो इसका जो सही आंसर है तो वो है ए विकल्प यानी कि चारों के चारों विकल्प इसके सही हैं ग्लोबली है, तापी वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद में समुद्र की सतह पर जो जल की वृद्धि है वो बढ़ जाएगी साथ ही साथ यदि ग्लोबली तापी वृद्धि का वर्तमान स्तर नियंत्रण नहीं किया जा सका तो दो तक समुद्र की सतह पर एक मीटर बढ़ जाना संभावित है स्वाभाविक सही है बिल्कुल इसका आंसर और विश्व में समस्त मूंगे की जो डीप है वो डूब जाएंगे जो कोरल दीप है वो सारी डूब जाएंगी और ये संभावना दो हजार चवालीस तक जाएगा और समुद्र के तल बढ़ने पर इस वर्ष तक नीदरलैंड में भी गंभीर समस्या का संकट यहाँ पर छा जाएगा तो इसका ये विकल्प बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन तापमान और वर्षा से संबंधित निम्नलिखित विशेषताएं किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं तो तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें कि अत्यधिक वर्षा वर्षा तापांतर वार्षिक 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर और छोटी ग्रीष्म ऋतु और लंबी शीत ऋतु कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है टेगा जलवायु वाला जो क्षेत्र है उसमें ये सारी की सारी जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं अगला क्वेश्चन आ गया डोल ड्रम क्या है वॉट इज द डोलड्रम तो इसका जो सही आंसर होगा इन सभी ऑप्शन में तो वो है भूमध्य रेखा के आसपास के जो अल दबाव का क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है उसको डोलड्रम कहा जाता है अगला क्वेश्चन जलवायु और विशेषताएं दी हुई है। हैं तो मैच करते हुए इसमें से आंसर आपने देना है तो इसका जो सही विकल्प है वो थ्री यानी कि सवाना के घास के मैदान अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर जो इसकी विशेषताएं है होती हैं यहाँ पे गर्मियों में वर्षा और शुष्क जाड़े का क्षेत्र होता है यानी कि ए विकल्प कल तीसरा और मानसूनी जो क्षेत्र है वो गर्मी में बादल का फटना ये मानसून के लिए माना जाता है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्म तथा शुष्क गर्मियों में मृदन मृद म्रद और नम जाड़े सी विकल्प हो गया और भूमध्य सागरी यहाँ पे वर्ष भर वर मूसलाधार वर्षा होती है हमेशा बारिश होती रहती है वो उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट फॉरेस्ट बोला जाता है तो ये इसका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन किस देश के चारा को वेल्ड कहा जाता है तो वो है दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का जो चारा है, उसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन आंध्र उष्ण कटबंधी प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर इकतीस का तो वो है स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जो कि आंध्र उष्ण कटिबंधी प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वहां पर अगला क्वेश्चन आ गया सदावहार वर्षावन पाए जाते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो कहां पर पाए जाते हैं तो वो है ब्राजील में जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कहलाता है अमेजन की जंगल अगला क्वेश्चन विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है तो इसमें से कौन सा विकल्प होगा जो कि सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है तो वो है शीतोष्ण संकुप्रक्षीवन टेम्परेचर कॉन्फेडर जो फॉरेस्ट है वो सबसे अधिक क्षेत्र में प्रतिशत के मामले में फैले हुए हैं अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का यह आखिरी दसवा प्रश्न अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र गंगोत्री में सूर्य कब अस्त होना प्रारंभ हो जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य दिसंबर में मतलब मिड दिसंबर में सूर्य अस्त होना यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है ध्यान रहे भारत की दो प्रयोगशालाएं जो कि अंटार्कटिका में स्थित है एक तो गंगोत्री और दूसरे का नाम जो है वो है मैत्री के नाम से जानी जाती है तो दो प्रयोगशालाएं भारत की अंटार्कटिका जो कि दक्षिण में स्थित है वहां पर ये प्रयोगशालाएं जिसमें कि समस्त विश्व के विभिन्न देशों की प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई है जिसमें कि अमेरिका जर्मनी चीन रूस और फ्रांस इन सभी की अलग अलग प्रयोगशालाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं तो ये थे दस प्रश्न जो कि मैं आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेके आया तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और लगातार जीएस के अध्ययन के लिए आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप पूरा जीएस अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर पाएंगे और प्ले से जाकर वो सारी वीडियोज आप बिल्कुल देखें जिसमें कि मैंने डिफरेंट टॉपिक पर वीडियोस बनाकर आपके एग्जाम्स के लिए डिफरेंट प्रश्न कवर किए हैं तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं यहीं खत्म करता हूँ अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होगा जब तक के लिए जय हिंद जय भारत